भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बात ध्यान रखना, वैराग्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमको भी अपने जीवन में कई बार वैराग्य हुआ होगा। अर्थी को जलते हुए देखो, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य को जैन धर्म में कोई बड़ा महत्व नहीं दिया है। वैराग्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। कषाय वैराग्य तो देवताओं को भी हो जाया करता है, वह भी विरक्ति का अनुभव करने लगते हैं, सम्यक दृष्टि देवी देवता। वैराग्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैन धर्म में क्या, हर धर्म में वैरागी हुआ करते हैं, लेकिन जैन धर्म में कुछ अलग सी बात है। यहां वैराग्य नहीं, यहां वीतरागता को महत्व दिया जाता है। आपका राग कितना कम पड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका राग कितना नष्ट हो गया ये यहां पर हमने कर्म के उपसम पर ज्यादा श्रद्धान नहीं किया, हमने कर्म के क्षय पर ज्यादा श्रद्धान किया है। कर्म क्षय की बात जैन धर्म करता है। बैरागी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बीतरागी बनना बहुत बड़ी बात है। वहां पर जाकर सब देवताओं को वैराग हो जाता है, उसके बाद फिर जब पहुंचते हैं ना स्वर्ग में, फिर भोगों में लीन हो जाया करते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ बड़े धर्मात्मा हो जाते हो, घर जाकर फिर वही साम दाम दंड भेद, उसी में आत्मा जाकर के लीन हो जाए। ये सब वैराग के परिणाम हुआ करते हैं, ये कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ करते हैं। लेकिन इन क्षणिक परिणामों को भी जो व्यक्ति अपने संस्कार बना लेता है, ये थोड़े थोड़े से क्षण ही आगे जाकर वीतरागता तक हमें पहुंचा दिया करते हैं। कदम दर कदम, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद गिरती है तो घड़ा बन जाता है। और किसी चट्टान पर एक एक बूंद यदि रोज टपकती जाए तो चट्टान को रेत बना दिया करती है। ऐसे ही ये भक्ति के क्षण बूंद बूंद यदि हमारी चेतना पर पड़ते जाएंगे, संस्कार बनते जाएंगे, और यही संस्कार एक दिन निर्वाण की यात्रा करा दिया करते हैं। कदम बढ़ाओ, ये मत सोचो कि हम ग्रस्त हैं, हम क्या करें। तुम्हारा मार्ग भक्ति का मार्ग है, तुम्हारा मार्ग भगवान की पूजन का मार्ग है, तुम्हारा मार्ग नवदा भक्ति का मार्ग है, तुम्हारा मार्ग शुभोपयोग का मार्ग है, तुम्हारा मार्ग जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद का मार्ग है। यहाँ आकर तुमने अपने जीवन में जो भी अर्जित किया है, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। कुछ भी करो, कोई भी चीज बिना फल दिए नहीं जाती है, फल जरूर मिलेगा। आपने मन से कुछ सोचा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं वर्षों, कभी ना कभी वो मन का सोचा हुआ फलित हो जाया करता है। वचनों से जो बोला है, कभी ना कभी वह भी फलित होता है, और काया से जो किया है वह भी कभी ना कभी फलित हो जाता है। एक आदमी मकान बनाता है, आज सोचा आज ही बना लेता है क्या? आज सोचता है, फिर दिमाग लगाता है, फिर और व्यवस्था करता है, और ख्वाब देखता है, और सपने देखता है, फिर धन संग्रहित करता है, धन इकट्ठा करेगा, धन आ गया अब जमीन ढूंढते फिरता है, जमीन मिल जाए, अब जमीन आ गई अब आर्किटेक्ट को ढूंढेगा, फिर ठेकेदार को ढूंढेगा, कारपेंटर को ढूंढेगा, इलेक्ट्रीशियन को ढूंढेगा। सपना देखा आज फल मिलेगा, आगे जा तुरंत थोड़ी मिलता है फल, आगे जाकर मिलता है। एक संकल्प यदि हो जाए, किसी ने यहां बैठकर यदि ये भावना भी बना ली कि मैं मुनि बनना चाहता हूँ, मैं आरिका बनना चाहता हूँ, आज नहीं बनोगे, कल नहीं बनोगे, परसों नहीं बनोगे, लेकिन किसी ना किसी पर्याय में यह मुद्रा उसको अपने आप प्राप्त हो, फिर उस समय जब मिलती है तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो आज तुम जो कुछ कर रहे हो वो आज के विचार का फल नहीं है, ये विचार तुमने कई वर्षों से बना रखे होंगे, कई जन्मों से बना रखे होंगे, तब जाकर के वह विचार फलित होता है। आज ही आम का बीज डाल दो और रोज उस बीज को खोल खोल के देखो मिट्टी में से, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आने वाला भी चला जाएगा, ध्यान रखना, उसमें से फिर अंकुर फूटने वाला नहीं है।
डाल दीजिए और निश्चिंत हो करके बैठ जाइए। किसान खेती जोतता है, खेत को बीज डाल देता है, क्या रोज रोज जाकर के खोल के देखता है क्या? नहीं, डाल दिया, पानी डाल दिया, अपने आप बीज अंकुरित होकर के बाहर आ जाता है। हमारा काम क्या है? पूजन, भक्ति और पुण्य के बीज इस आत्मा में बोते रहना। जब फसल आएगी तब फसल आएगी, ध्यान रख। आज का तुरंत फल नहीं मिलता, वक्त लगता है, समय लगता है, जरूर प्राप्त हुआ करता है। आज तुम जैन बने हो, क्या सोचते हो कि ऐसे ही जैन बन गए हो? कई जन्म नाली के कीड़े बनकर तड़फे होंगे कि एक बार मनुष्य की पर्याय प्राप्त हो जाए। जैसे अभी तड़पते हो ना कि देव बन जाए, अच्छी गति हो, देवता की गति प्राप्त हो जाए, आज सोचते हो तब जाके बना करते हैं। 84 लाख योनियों में 84 लाख शरीर को फेंकने के बाद आपको यह मनुष्य की देह प्राप्त हुई। कितने संकल्प रहे? इतनी आसानी से मनुष्य शरीर मिलता है क्या? इतने आसानी से मिल भी जाए तो जैन कुल प्राप्त होता है क्या? जिनेंद्र की शरण प्राप्त होती है क्या? नहीं, कई जन्मों के पुण्य रहे होंगे। पिछले जन्म में हो सकता है 10 जन्म पहले, 20 जन्म पहले कोई मुनि महाराज सड़क से निकले होंगे, तुम अजैन जाति में पैदा हुए होंगे। जैसे ही देखा होगा बाबा जा रहे हैं, जैनों के महाराज जा रहे हैं, हाथ जोड़ लिया होगा, पड़ गया बीज और आज जैन कुल में आकर के तुम पैदा हो गए। ऐसे बीज बोइए अपनी चेतना में, ऐसे बीजों का आरोपण करो पूजा भक्ति में बैठकर। कभी जैन का बीज बोया तो आज जैन बन गए, आज जिनेंद्र का बीज बोकर जाना, एक दिन जिनेंद्र बन करके दुनिया से विदा हो जाएं। ये बीज बोना है, ये बीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीज मन से बोया जाता है, वचन से बोया जाता है, काय से बोया जाता है। भावनाएं भाइये, संकल्प करिए, कभी ना कभी वह काम अचानक हो जाया करता है। प्री प्लान भी नहीं होता, और कई काम अचानक हो जाते हैं। हम कहते यार ये कैसे हो गया, हम तो आए थे ये करने, यहाँ ये हो गया आकर के। समझ में आ रहा, ये हमारे पूर्व नियति है, कर्मों का फल है जो हमें प्राप्त होता है। ये तुम्हारे पूर्वकृत पुण्य का फल है जो यहाँ आकर के बैठ कर भगवान की पूजन कर रहे हैं। वरना कितने लोग हैं, कितनों के पास पैसा है, कहाँ लगता है वह पैसा? विषय भोग में खर्च हो जाता है, संसार में खर्च हो जाता है। दान की बात करो तो आदमी बहुत सोचता कैसे दें, क्या करें, इतना देंगे ये होगा। अरे पागल नहीं देगा तो विषयों में जाएगा, भोगों में जाएगा, और भोगों में जाएगा तो भव भव भटकाएगा। जिनालयों में दान क्यों बोला गया है? दे दे, ये बीज बोरा है, आगे आके जाकर के चक्रवर्ती की संपदा का अधिकारी बनेगा, और सब संपदा छोड़कर एक दिन निर्वाण का अधिकारी भी प्राप्त हो जाएगा। ये संस्कार बनाइए। राजेश जी राव का परिवार बहुत सरल सहज, पूरा परिवार बहुत सरल है। जब भी आते हैं उनके बच्चे, परिवार के सभी लोग बड़ी आत्मीयता से बैठते हैं, बात करते हैं, हमको तो उनकी भाषा में ही बड़ा आनंद आता है। आसामी लोग हैं, आसाम के रहने वाले हैं, हिंदी बराबर आती नहीं है, लेकिन हमको बड़ा आनंद आता है जब बोलते हैं हम आएगा, हम जाएगा, हम खाएगा, हम करेगा। लेडीज भी बोलती हम आएगा, हम जाएगा, बड़ा आनंद आता है बैठ कर के। ये सुलभ चेष्टाएं हैं, ये सहजताएं हैं। एक बात ध्यान रखना, बनावटी में कभी आनंद नहीं आया करता है, सहजता से जो आनंद प्राप्त होता है। बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है माँ के पास, उसकी सहजता इतनी होती है कि कोई भी उसे गोद में उठाने को तैयार हो जाता। बनावटी को कोई नहीं उठाता है गोद में। आप जबरदस्ती किसी को बनावटी मुस्कुराहट दे रहे हो या ओरिजिनल दे रहे हो, नेचुरल दे रहे हो, सब पता पड़ जाया करता है। एक बात ध्यान रखना, शब्दों से पहले भावनाएं पहुंच जाया करती हैं। शब्द का सफर धीरे होता है, भावनाओं का बड़ा तेज हुआ करता है।
शब्दों में कुछ नहीं रखा है। कोई कहता हम इंग्लिश सीख रहे, कोई कहता हम फ्रेंच सीख रहे, कोई कहता हम कन्नड़ सीख रहे, कोई कोई भाषा सीख रहे। अब किसी को नहीं आती है तो क्या करें? एक बात ध्यान रखना, मन की भाषा सबसे बड़ी भाषा होती है। मन की भाषा वो होती है जिसे जानवर भी समझ जाया करता है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है। यदि गोद के बच्चे को चुटकी बजाओ तो वह भी अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, मुझे गोद में उठा लो। गुस्से में यदि देखो तो बच्चा भी तुम्हारी गोद में आने को तैयार। ये काय की भाषा है, ये मन की भाषा है, ये हृदय की भाषा है। जब कोई भक्त हृदय की भाषा से गुरु चरणों में पहुंचता है तो आत्मीयता का आशीर्वाद उसे अपने आप प्राप्त हो जाता, मांगना नहीं पड़ता, अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक बात बताओ, तुम विदेश चले गए, अब तुम्हारे पास इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें दूसरी भाषा नहीं आती है, अब तुमको प्यास लगी है, अब तुम अपने इंडिया की भारत की भाषा में बोलो एक गिलास पानी लाओ तो वो तो मुंह देखेगा बैठ करके, क्या होता है एक गिलास पानी लाओ, विचार करिए। लेकिन आपको प्यास लगी है, पानी भी पीना है, कौन सी भाषा में बोलोगे? तो बोले अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो बोले क्या करो? बोले इतना कर दो वो समझ जाएगा। ये मन की भाषा होती है, जहां निशब्द हो जाते हैं एक्शन से पता कर लेता है। इतना बोल दो कि भाई मुझे पानी रखा हो, तो इतना बोलो कि मुझे पानी पीना है, गूंगा आदमी भी अपने सामान को प्राप्त कर लिया करता है। ये हृदय की भाषा है, ये मन की भाषा है। ध्यान रखना, हम शब्दों की भाषा पे बहुत जोर देते हैं, मन की भाषा पे जोर नहीं देते हैं। मन को पढ़ना सीखो, मन को समझना सीखो। गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है? मन को समझने का रिश्ता होता है, हृदय को समझने का रिश्ता होता है। ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं ये लोग, कहीं भी पूजा भक्ति हो, धर्म हो, हमेशा अग्रणी रहने वाले, अपना नाम सबसे आगे लिखाने वाले। हमारा भी यह सौभाग्य हमको अर्जित होना चाहिए। परमात्मा ने तुमको दिया है, और परमात्मा ने दिया है इसलिए उसका सदुपयोग जीवन में करो। मालूम है, एक बात छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक हिंदू संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कहलाया करते थे। ऐसे थे वह संत कि एक दिन वह भिक्षा लेने के लिए गए, भिक्षा पात्र लेकर, और एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, जाकर के कहा कि भिक्षाम देही, जो भी भिक्षा हो मुझे प्रदान करो। बुढ़िया उस दिन देख करके रह गई, भिक्षा देना है, संत खड़ा है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। संकुचित हो गई, सकुचाई, थोड़ी सी दुखी हुई। संत ने कहा, माँ सोच मत, जो भी है मेरे पात्र में डाल दे। क्या डाल दूँ, आज तो भोजन भी नहीं है, आज तो पानी भी नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन मुँह से ना नहीं निकल रहा है, क्या करूँ? संत ने कहा, सोचती क्या है माँ, जो तेरे पास हो मेरे को दे दे। बुढ़िया फिर भी कुछ नहीं बोली। संत ने कहा, नहीं देना तो ना बोल दे। बोले कि वो भी ना भी नहीं बोल सकी, उसके पास कुछ था ही नहीं, क्या करती, देने के बहुत भाव थे लेकिन सामान तो कुछ भी था नहीं। संत समझ गए मौन की भाषा, जरूर संकोच में है ये बुढ़िया। उन्होंने कहा कि माँ एक काम कर, तू ज़्यादा मत सोच, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तू मुझे दे दे। तो कुछ नहीं, नैनों से अश्रु की धारा बह गई, मेरे द्वार पर कोई आया और खाली जा रहा है। उसने कहा रामकृष्ण परमहंस ने कि माँ तेरे चरणों में जो धूल पड़ी है ना आंगन में की, एक मुट्ठी धूल मेरे पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने कहा, एक मुट्ठी धूल, एक तो देने को नहीं, ये मेरे पाप कर्म का उदय है, और दूं तो ये धूल उठा कर दूंगी, इससे बड़ा पाप और क्या होगा मुझसे। संत ने कहा, ये मत सोच, तू एक मुट्ठी धूल आंगन की मेरे पात्र में डाल दे। उस बुढ़िया ने कहा कि संत जी, आप धूल का क्या करेंगे, धूल से पेट भरेगा क्या, भोजन हो गया क्या धूल का? संत ने कहा, ये सोचना तेरा काम नहीं, ऐ देने वाले तेरा काम देना हुआ करता है। मैं खाऊं या फेंकूं इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं हुआ करता है, मैं उसका सदुपयोग करूं या दुरुपयोग इसमें तेरा कोई संबंध नहीं होता है। तू मुझे मिट्टी दे,
बस वो लेकर मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, संत जी तुम ज्ञानी मैं अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता, इतना तो बता दे कि ये धूल क्या करोगे इस धूल का। संत ने कहा, माँ तुझे मालूम है ना कि ये धूल मैं नहीं खाऊंगा, इसका कोई महत्व नहीं मेरे जीवन में, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो कुछ और है। बोले क्या बात है? बोले आज तेरे पास नहीं है तो तेरी जिभ्या से ना निकल रहा है, और यदि ये ना कहने की आदत पड़ गई तो जब तेरे पास होगा तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। धूल मैं इसलिए ले रहा हूं कि तेरी जिह्वा ना कहना ना सीख जाए, उसे हाँ ही कहना चाहिए, जो भी देना। ऐसे संस्कार मत डाल अपनी जिह्वा पर, ये आदत बन जाती है। कभी कभी परिस्थितियां तो बदलते रहती हैं, आदतें नहीं बदला करती हैं। मैं संघ के साधुओं को भी समझा रहा था कि कोई भी गलती हो तो क्षमा या सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। आदमी सोचता है कि हमने उत्तम क्षमा बोल दिया, सॉरी बोल दिया, अपराध से मुक्त हो गए। हमने कहा ऐसे नहीं हुआ करता है, जैन दर्शन इसको महत्व नहीं देता है। क्षमा बोलना नहीं, जो गलती हुई है दोबारा नहीं हो ये प्रयास करना क्षमा हुआ करता है, कि अब ये गलती दोबारा मुझसे नहीं। तो आदमी क्षमा बोल देता है, झगड़ा कर लेता है, फिर सॉरी बोल देता है, फिर लड़ लेता है, फिर सॉरी बोल देता है, उसके बाद फिर वही काम करने लगता है। नहीं, ये क्षमा बोलना और नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है, आदतें सुधारना ये महत्वपूर्ण काम हुआ करता है। अपनी आदत सुधारिए, अपना स्वभाव सुधारिए, अपने संस्कार बदलिए, तो तुम्हारा धर्म करना सार्थक और